सभी एक ही भाषा में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करना। कोई कहता है कि उनकी जुबान काट काट के वो लेके आएगा, उसको मैं 11 लाख दूंगा। कोई उनको आतंकवादी कहता है, कोई उनके ऊपर हमले की बात करता है। ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश की रचना है। जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश का पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है और होता रहेगा, उससे अगर किसी के मन में डर पैदा हुआ है तो लोकतंत्र में, इस देश के लोकतंत्र में ये समस्या हल करने का ये मार्ग नहीं कि विपक्ष को जान से मारने की धमकी दी जाए। ये रशिया में होता है, ये रशिया में होता है कि विपक्ष के नेता को खत्म किया जाता है, और हो गया है, पुतिन ने कर दिया। और भी देशों में हो सकता है जहां तानाशाही, जहां लोकतंत्र नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में अगर ये कहा गया है कि राहुल गांधी का हस्ते हाल ही उनके दादी जैसा या उनके पिताजी ऐसा करना चाहिए कर देंगे, ये बात अगर इस देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, इस देश के गृह मंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, मैं उसका मतलब ये समझता हूँ कि ये साजिश का हिस्सा अब भी है, अब भी। इसलिए हमें चिंता है, हम कंडेम करते हैं इस बात का। और खास करके ये दो प्रमुख नेताओं की जो चुप्पी साधी उसके मामले में, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसका नेता प्रतिपक्ष है, जिसको कैबिनेट रैंक है, उसके खिलाफ आपके पार्टी के लोग धमकाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, और आप चुप बैठते हैं, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भी देश में सिर्फ संविधान नहीं, लोकतंत्र नहीं, तो विपक्ष के जो हमारे जैसे नेता है, राहुल जी जैसे नेता है, उनको जान को खतरा है। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडींचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका, फक्त देशोन्नती न्यूज वर